खमा गणी सा और पतरंगी साफो गोल साफो बांध दिखाऊं आपने। साफो है पहले हल्को पानी गीलो कर देनो ताकि साफो बंधन में आसानी हो और फिनिशिंग भी बढ़िया आवे। वीडियो पूरा देखो अच्छी तरीके से। आजकल साफो सीखना सबने जरूरी हो गयो। चार पांच आटा रफ दे देना पर हल्को घुमा तो रहना साफे। चार पांच आटा रफ देने के बाद में पट्टी बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पट्टी पीछे भी वीडियो में बताई रही है कहीं ऐसा बनावे। पहला पूरा खोल देना पटले बाद में फोल्ड करना हल्को ऊपर और नीचे दबा लेना और हाथ फिनिशिंग दे देनी पट्टी ऊपर। हल्को साफ इन घुमा तो रहना चाहिए। सेम ही प्रोसेस रहे लास्ट तक। पट्टी कहीं ऐसा बन रही है आप देख लो आराम। चाहे जोधपुरी हो गोल हो पट्टी एक ही हिसाब बनिया करे। लास्ट तक सेम ही प्रोसेस रहे वेला एक हिसाब पट्टी बनेला। साफेन कितो कहीं घुमावे आप देख लो। ऊपर उतबा तो रहना चाहिए ताकि कहीं साफो जम जावे। वीडियो ने आराम पूरा देखो अच्छी तरीके। वीडियो ने पूरा देखो ताकि कहीं समझ आवे हर एक चीज। अब लास्ट पट्टी है अब पीछे देख लो पट्टी अंदर हूँ अंदर ही साइड निकाल लेना लो को जो ताकि और अपने सिर ढकण में भी काम आवे आती। अब पानी गीलो कर देनो जितो ज्यादा गीलो कारण जितो ज्यादा कड़क रही छापो कड़प पूरी अटी सेट है अगर ऐसा फिर पतरंगी साफ है सिर का ऐसा अब ढके वो भी दिखाऊं मैं आपने। ओला सा बोल साफ हो रेडी ठीक है धन्यवाद सर।